my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. Hello guys, ki hala toada. आ गई एक और रोस्ट लेकर। तो आज जिस इंसान का हम लोग मुर्गा बनाने वाले हैं ना, वो है लड्डन जाफरी। मेरा मतलब है कि आज जिस बंदे का हम तवा लगाने लगे हैं, वो है YT डिक्टेटर। अब इससे पहले कोई ये कमेंट करे, हिम्मत कैसे हुई डिक्टेटर पर रोस्ट बनाने की? रिपोर्ट करो इसका चैनल, रिपोर्ट करो इसकी वीडियो, इसका चैनल तबाह हो बर्बाद कर दिया जाए। तो यार मेरी बात सुनो, मैं क्यों ना मैं रोस्ट करूं एक ऐसे बंदे को जिसकी डेस्परेशन का ये आलम है कि आप खुद देख लो। मैं सिंगल नहीं हूं। तो भाई अपने पास टैंक का एक जग रख लो, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, पसीने बहुत छूटते हैं यार, क्योंकि लाइट भी बहुत ज्यादा जा रही है। तो भाई टैंक का जग बनाकर रख लो और स्टार्ट करते हैं। डिक्टेटर गेम में लड़कियों के पीछे ऐसे भागता है जैसे कोई भूखा शेर बटर चिकन के पीछे भागता है। चाहे वो लड़की कितनी भी बिस्ती कर रही हो, लेकिन हमारे अपने डिक्टेटर भाई साहब एक दफा जो किसी लड़की के पीछे पड़ जाए, भाई उस लड़की का छुपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मैं सिंगल नहीं, चलेगा। डिक्टेटर जैसे लोग होते हैं जिनको मोहल्ले वाले आते जाते चिपेड़ मारकर चले जाते हैं। अब डिक्टेटर का असली नाम आमिर है। पहले मुझे लगा कि ये शायद ये वाले आमिर है, लेकिन मुझे तो बाद में समझ आई ये तो ये वाले आमिर है। गॉड कहते हैं, लेकिन गेम में अगर कोई बॉट भी नजर आ जाए ना, तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने मेल टीममेट्स को मेडिसिन के नाम पर एनर्जी ड्रिंक देते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की टीममेट हो तो भाई मेड किट, फर्स्ट एड किट, बैंडेजेस, पेन किलर, वो इंजेक्शन सब कुछ दे देते हैं, हाजिर करते हैं, उसके आगे लाइन लगा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग ओम पे 2x लगा के अपने आप को प्रो कहते हैं। होते हैं जो शादियों पे अपनी अम्मी को ढूंढने के बहाने लड़कियों वाले सेक्शन में घुस जाते हैं और लड़कियों पे लाइन मारते हैं। डिक्टेटर ने अभी रिसेंटली आईफोन 12 मैक्स प्रो लाइट लिया है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आईफोन 12 वो तो आया ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, इस फोन में अगर आप एक का बटन दबाएं तो ये वाला गाना बजता है। दो का बटन दबाएं तो ये वाला गाना बजता है। क्या आप लोगों को लगता है कि डिक्टेटर पबजी की वजह से फेमस हुए? ना ना ना, बल्कि ये बंदा फेमस हुआ पानी पे भागने की वजह से। भेजो तो वो पुदीना उठा लेते हैं। डिक्टेटर दही में से पैसे बचाकर अपने जीएफ को इजी लोड करवा कर कहते हैं, जान तुम्हारे लिए पेरी तो पूरी दुनिया हाजिर है, तुम्हारे लिए कैश ही कैश। डिक्टेटर जब मचे जाते हैं ना, तो लोग अपनी जुतियाँ छुपा लेते हैं। आप लोग सोच रहे हो जुतियाँ क्यों छुपाते हैं? अगर सोच रहे हो तो भाई सोचते रहो, अगर आपको समझ ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। डिक्टेटर जैसे लड़के दूसरों के सामने शेर बनते हैं, और अगर 1 किलोमीटर दूर से कुत्ता देख लेना तो भाई वहीं से 9 to 11 हो जाते हैं। डिक्टेटर जैसे लड़के जब मोहल्ले से गुजरते हैं ना, तो पठान उनको देख के कहते हैं, इस बड़ा टैट। ऐसे से लड़के अपनी छाती पे वेले जमा कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रात भर कस्टमर केयर वालों को कॉल करके टाइम पास करते हैं, और वैसे भी आजकल पबजी बैन है तो डिक्टेटर का यही काम है। डिक्टेटर जैसे लड़के पबजी में बाइक पे स्टंट मार के खुद को एक्शन जैक्सन का हीरो समझ रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लड़के जब किसी दुकान पे चीज ले जाते हैं ना, तो 10 रुपए की चीज लेते हुए 20 रुपए की चोरी कर लेते हैं। हाय जाने लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।